जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर 13 का एक नया लेक्चर ईएमएफ के बाद स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर आउटपुट का टॉपिक हमारी बुक में है। स्टूडेंट आउटपुट पावर या पावर डिसिपेट होके हमें कब वापस मिलती है, जब करंट पास होगा रेजिस्टेंस में से, ठीक है, यानी कि करंट फ्लो करता हुआ किसी बल्ब वगैरह में से पास होगा तो तब हमें पावर जो है वो क्या होगी आउटपुट पर वापस मिलेगी। अब स्टूडेंट पावर आउटपुट का फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपने देखें, ये फार्मूला आपने लास्ट लेक्चर में सीखा कि ईएमएफ बराबर होता है आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ से स्टूडेंट आप आई की वैल्यू जो है वो अलहदा कर लें, ठीक है, ये हमने आई की वैल्यू लिख ली। अब स्टूडेंट इस आई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दें, स्क्वेयर भी हमने ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट देखें इसको हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वेयर के फार्मूले से ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर की शक्ल में हमारे पास ये टर्म बन सके। उसके लिए स्टूडेंट देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि ये लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट देखें हमने क्या किया, इसमें मैंने प्लस 2ab किया और माइनस 2ab कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, ये जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इनको अगर देखें तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, और स्टूडेंट ये प्लस 2ab और ये प्लस 2ab ये बन जाएंगे 4ab। इसका मतलब ए प्लस बी को हम लोग इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आर प्लस आर है इसको हम कैसे फिर लिखेंगे, आर कैपिटल माइनस स्मॉल आर इसका स्क्वेयर प्लस 4 ए इंटू बी है, तो ए हमारे पास कैपिटल आर और बी हमारे पास स्मॉल आर। तो स्टूडेंट इसको आपने इस शक्ल में पहले लिख लेना है। अब स्टूडेंट पावर आउटपुट पे मैक्सिमम आपको तब मिलेगी जब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये स्मॉल कर दी जाए, ठीक है, जितनी ये स्मॉल होगी, ठीक है, उतना ही पावर आउटपुट जो है वो क्या होगी वो मैक्सिमम आ जाएगी। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको अगर ख़त्म करना चाहें तो स्टूडेंट पावर मैक्सिमम तब मिलती है जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है वो बराबर आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के। तो ये चीज़ को अगर हम पुट करें जहाँ पे स्मॉल आर है वहाँ पे कैपिटल आर पुट करें तो स्टूडेंट ये शक्ल बन जाएगी। अब देखें ये टर्म तो ज़ीरो हो गई और यहाँ पर बनेगा 4r² जो कि ऊपर एक पावर कैंसिल करेगा, तो हमारे पास ये बनेगी मैक्सिमम पावर आउटपुट की इक्वेशन। स्टूडेंट देखें नीचे आर था, ठीक है, तो ये टर्म आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये टर्म डिनोमिनेटर वाली जो है वो क्या हो गई 4 टाइम आपने इंक्रीज़ की, तो इससे पावर आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है।